साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जमकर के भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे, हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस लिंक्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूं, लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी दो तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा, जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी